So it's been 29 days we've been here, and we have been facing a lot of problems staying here. No one wants to stay here, obviously, but we've been asking them to provide ARV medicines to the plug line, to the people who are not getting it, at least 1 month medicines. अभी हमारे पास में काफी समस्याएं आ रही है एचआईवी की दवाइयों को लेकर के, जो कि बच्चे और जो टीवी की दवाइयां जो पेशेंट खा रहे हैं, थर्ड लाइन की भी है, टीवी की दवाइयां खा रहे हैं, सेकंड लाइन की जो दवाइयां खा रहे हैं, अब फर्स्ट लाइन में भी जो टीबी की दवाई खा रहे हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनको 5 दिन पे हफ्ते दिन में दवाइयों के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है। कुछ बच्चे हैं, पढ़ने वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं, और छोटे स्कूल में भी 8वीं 9वीं में भी पढ़ने वाले हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 साल 4 साल के भी बच्चे हैं, तो उनको हर 5 दिन पर विजिट करना बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हरियाणा से, पलवल से, आगे पलवल से भी, रोहतक से भी आते हैं बच्चे हमारे पास जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा में बच्चों की दवाइयाँ बिल्कुल ही नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे आने जाने में लगता है, और उसके बाद में 8 घंटे लग जाता है हॉस्पिटल में भी। दिल्ली में भी हॉस्पिटलों में लाइन में लगाना है, कभी टेस्ट कराने हैं। वी आर मोस्टली द पीपल फ्रॉम आर ऑर्गेनाइजेशन, द दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल आर हियर, इट्स अराउंड 30 to 40 पीपल। But now sometimes after 2-3 days few people go home, especially women, we do have to send them home because they also take care of their, they have to take care of their families and other things. So around 16 to 17 people are every time here, sometimes there are more. Aur main khud ek HIV positive vyakti hu, 2002 mein mujhe malum pada tha ki main HIV positive vyakti hu, aur main ek santa mein kaam karta hu, ek santa chalata hu, iska naam hai Delhi Network of Positive People, jo HIV positive logo ki santa hai। इस संस्था को चलाने वाले सारे एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं, और काम करने वाले भी अधिकांश एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं। इस संस्था का मुख्य रूप से यही है कि जो भी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है उसको आसानी से दवाई मिल सके, और दवाई मिलने में जो भी बैरियर आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, चाहे जिस लेवल पर भी हो, उसको हटाना है। और साथ में जो है उसको जो है समाज की वो मुख्य धारा में रहे, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, या अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको सॉल्व करना, उसी को अरेस्ट करना है, ताकि समस्या को सॉल्व हो सके। फरवरी मार्च से जो है हमारे लोगों को खबर मिलना शुरू हो गई थी कि किसी, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, तो उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे सारे उड़ीसा है, ऐसे कई सारे स्टेट थे तो जहाँ पे दवाइयाँ या तो कहीं 5 दिन के लिए मिल रही हैं, कहीं 10 दिन के लिए मिल रही हैं, कहीं बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, फिर आ जा रही हैं। मतलब कि जो है दवाइयों का प्रॉपर नहीं मिलना, जबकि हमारा उद्देश्य है, या नाको का भी यही उद्देश्य है कि व्यक्ति को दवाई जो है आसानी से जो है हर किसी को एक्सेस हो। और जो भी हमारे स्टेट के साथी हैं वो हर कोई अपने स्टेट के साथ, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने स्टेट शख्स के साथ में जो है मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे, ईमेल लिख रहे थे, सभी लोगों जो है अपना जो है चिट्ठी ईमेल अपने स्टेट शख्स को लिख रहे थे। कहीं से कोई जवाब आ जा रहा था, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दिल्ली हमारे देश का राजधानी, मेट्रो सिटी, यहाँ पे मीडिया भी है, सब मेट्रो सिटी भी, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ भी जो है जुलाई में लोगों को दवाई मिलना शुरू बंद हो गया है। हमने स्टेट, दिल्ली स्टेट एड्स सोसाइटी को जो है हमने व्हाट्सएप मैसेज भी किया, फ़ोन पर बात भी किया, और मीटिंग भी की हम लोगों ने। तो वो कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं 12 तारीख के बाद होने के बाद में 21 तारीख तक दवाइयां हमारे पास नहीं आई, हमारे लोगों के हाथ खाली हुए। तो जो है हम, मुझे लगता है कि 18 या 19 तारीख में हम डिस्ट्रिक्ट से मिल करके आए कि दवाइयां दे दो। हमने मीटिंग भी कर ली, आपसे चिट्ठी भी लिख दिया, नहीं तो मजबूरी में जो है या तो हम आपके सेक्स में धरने पर बैठ जाएंगे या नाकों में धरने पर बैठ जाएंगे। हम लोगों ने 21 जुलाई को जो है यहाँ पे धरने पर बैठने का हम लोगों ने निर्णय लिया, और 21 जुलाई से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पे आज हमारा 29वां दिन है, तो हम लोग को तो काफी परेशानी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग
ये नैको के कॉरिडोर में बैठे हुए हैं और अभी लगातार पिछले 3 दिन जो है काफ़ी हम लोगों को परेशानी हुई क्योंकि नैको दोनों तरफ सील लगा दिया और हम लोग को वॉशरूम जाने के लिए भी बहुत परेशानी हुई। हम लोग यहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर जाओ फिर 6th फ्लोर ऊपर आओ और इस गर्मी भरी मौसम में मौसम इतना तेज है कि मान लीजिए हमारे बहुत सारे साथी बीमार भी हो गए हैं। डॉक्टर से दिखाया किसी को वोमिटिंग हो रही है किसी को सर दर्द हो रहा है फिर भी हम लोग अभी तक जब तक दवाई नहीं मिलेगी तब तक हम लोग इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर पड़े हैं तो हमारे घर ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। हमारा बच्चा भी दवाई खाता है हस्बैंड दवाई खाता है उनको कौन देखे कौन संभाले कौन खाना बनाए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को यहाँ पर हो रही हैं। और वैसे भी और यहाँ पे जब वॉशरूम बंद हो जाता है अभी 15 अगस्त में 3 दिन से वॉशरूम बंद था स्टार्टिंग में भी 1st डे बंद था वॉशरूम तो हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है 8 सीढ़ियाँ हमें नीचे जाना पड़ता है 152 सीढ़ी हैं जिन्हें हमें नीचे जाना है और फिर ऊपर आना है। और उन्होंने जानबूझकर के इस फ्लोर के दोनों साइड के दरवाजों को लॉक करवा दिया कि ये लोग को परेशानी हो और ये लोग भाग करके चले जाए और धरना छोड़ दे। लेकिन हम लोग भी घबराए नहीं हम लोग परेशानी तो हुई लेकिन हम लोग बैठे ही रहेंगे जब तक कि हम लोग को सारी दवाई 1 महीने का उपलब्ध नहीं हो जाए हर एक पेशेंट को। ड्यूरिंग द 15th August इंडिपेंडेंस डे एवरी वन होल इंडिया वॉज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे बट वी आर स्टिल हियर बिकॉज वी मेनी ऑफ द पीपल हियर हैवंट गॉट देयर मेडिसिन and for them to survive these medicines are mandatory. We do our lunch here, our dinner here, our breakfast here. People go down and get lunch and dinner for us. We have our tea breaks here and we also sometimes have meetings to strategize our work. How should we progress more and how should we work with NACO so our demands are, will be fulfilled. Mostly it is all sponsored by DNP, our own organization utilizing their own funds. It's costing a lot, I think, because I think we just bought fans yesterday because we've bought these fans. Earlier we were renting 4 fans and each fan was costing us 400 rupees a day. And we've been here for 29 days, so it's almost 40,000-50,000 have already gone for that. And these beddings are also costing 120 rupees per bedding. So yeah, per day, per bed. So we've been spending a lot of money, but the we are okay to spend the money because we are here not only for us, but all the people across India who are not getting this medicines, and it's for their lives that is really important. So we don't care about the money right now; we care about the lives. अभी एक हमारे पास में रिसेंटली एक 18 मंथ का बच्चा आया है डायग्नोस हो करके अब उसको पूरा दिन लग जाता है अब बच्चा इतना परेशान हो गया है जो वो अभी दवाइयाँ के लिए उसके फादर बोलते हैं मेरा बच्चा ऐसे ही ठीक है अभी दवाइयाँ स्टार्ट नहीं कर रहा 2 महीने हो गए उसको अभी ये सोचो जो जिनका स्टार्ट हो गया है वो तो छोड़ छोड़ के खा रहे हैं अब कल परसों की हमारे पास में रिकॉर्ड में है तो मैं जब आरटी सेंटर में गई तो 13 दिन कोई मतलब 3 हफ्ते दवाइयाँ छोड़ करके आ चुका है क्योंकि बार बार उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है अब बार बार छुट्टी वो बता भी नहीं सकती जो मैं क्यों छुट्टी ले रही हूँ चाहे जो जॉब कर रहे हैं अब वो तो बता नहीं सकते ना महीने में ऐसे एक छुट्टी तो चलो नॉर्मल कोई भी ले सकता है लेकिन हर हफ्ते छुट्टी लेना तो पूछेंगे ना ऑफिस वाले भी चाहे कॉलेज में फ्रेंड्स सब भी पूछेंगे। अगर आज की मीटिंग के बाद भी आज भी उन्होंने ही कहा कि देखिए हमारी तरफ से दवाइयाँ की कोई दिक्कत नहीं है दवाइयाँ सब पहुँच गई हैं लोकल परचेज भी हम लोग स्टेट सेक्स लेवल पर दवाइयाँ परचेज कर लिया है दवाइयाँ पहुँच रही हैं
पहुंच गई हैं, जहां पे नहीं एक दो दिन में पहुंच जाएंगी। और भी नाकों का भी टेंडर दवाइयाँ आने वाली हैं, जल्दी पहुंच जाएगी। और जो है अभी दवाइयों में कोई दिक्कत नहीं है। आपने उन्होंने कहा कि आप लोगों ने खुद ही कहा कि एक महीने दवाई मिलना शुरू हो गई है, हम भी विश्वास रखिए जल्दी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उन्होंने एक सजेशन दिया हमारे लोगों को कि अपना धरना ख़त्म कर दीजिए, हम जो है हमारा डिमांड है कि हमें एक महीने की दवाई दीजिए। और ये हम अपने साथियों के, जिन साथियों ने बताया था कि हमारे यहाँ दवाइयाँ ख़त्म हो गई नहीं मिल रही हैं, उनसे हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए जो स्टेट के हमारे लीडर हैं, अगर वो कह देते हैं हाँ कि हमारे स्टेट में दवाइयाँ मिलना शुरू हो गई हैं, एक एक महीने की दवाइयाँ मिलना शुरू हो गई हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, धरना ख़त्म कर दें, आपका थैंक्स बोलेंगे।